अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो जीवन है वो मिथ्या है, सब माया है, सब मोह है। आखिरकार हर व्यक्ति को एक दिन तो मरना है, इस दुनिया से जाना है, और इसलिए हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों संघर्ष करें इस दुनिया में। दोस्तों, ये बात सही है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको एक न एक दिन तो मरना होता है, लेकिन जिंदगी है नाम उस यात्रा का जो जीवन से मरण के बीच में होती है, और ये यात्रा सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए हम एक रेल की यात्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लिया कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और एक ट्रेन है जिससे आप जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है। एक जनरल क्लास है, एक जनरल का सेकंड स्लीपर क्लास है, और एक आपका एयर कंडीशन क्लास है। अब मान लिया कि आप जनरल क्लास से सफर करते हैं तो आप पाएंगे वहां पे कि वहां पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती है, वहां पे लेटने की भी व्यवस्था नहीं होती है, वहां पे आपको बैठ के जाना पड़ता है, सीटें भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होती हैं, और कई बार तो ये भी हो सकता है कि आपको बैठने की भी जगह ना मिले और आपको खड़े होकर के सारी की सारी यात्रा करनी पड़े। ऐसी दशा में जो आपकी यात्रा है बड़ी कष्टमय होती है, और वो जो समय है वो काटे नहीं कटता। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं और जो आपका जनरल का जो स्लीपर क्लास है उसकी बात करते हैं। इस क्लास में एयर कंडीशनर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको सोने का इंतजाम रहता है। आप वहां के बैठ के भी और लेट के भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारा शोर शराबा रहता है, और वहां पे अक्सर उस लेवल की सफाई नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी जो यात्रा है वो जनरल क्लास से बेटर होती है। अब इसके बाद में अगर हम आए तो एयर कंडीशन क्लास की बात करते हैं, वातानुकूलित क्लास की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आप पाएंगे कि आपका जो बोगी है वो एयर कंडीशन रहती है, उसमें आपको चौड़े सीटें मिलती हैं, आपको बेड दिया जाता है, तकिया दिया जाता है, उसमें और भी तरह तरह की सुविधाएं रहती हैं। आप आराम से इस यात्रा को कर सकते हैं, बहुत ही आरामदेह तरीके से। आप इंटरनेट कर सकते हैं, आप आपस में आसानी से बात कर सकते हैं, और ये जो यात्रा है वो बड़ी आपकी इंजॉयबल होती है या मनोरंजक होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी यात्री हैं वो सब एक ही समय पे इस ट्रेन में चढ़ते हैं और एक ही समय पे इस ट्रेन से उतरते हैं। ये यात्रा का जो समय है सभी के लिए एकदम बराबर है, उसके बावजूद हर व्यक्ति का जो अनुभव है वो अलग अलग रहता है। एक ही यात्रा में जो जनरल क्लास का व्यक्ति है वो कितनी तकलीफों से होते हुए जाता है। कल्पना करिए कि आपको पूरे रात खड़े होकर के जाना पड़े तो कितना तकलीफ दे है, और वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति जो है वो आराम से सोते हुए एयर कंडीशन कमरे में जर्नी कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, कितनी उसकी आरामदेह यात्रा है। उसी तरीके से दोस्तों, ये जो जीवन है वो एक यात्रा है, उसका जो बिगिनिंग है, जो उसकी शुरुआत है और जो उसका अंत है वो तो फिक्स है, लेकिन उसके बीच में जो समय है वो हमारे हाथ में है। हम उसको अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, और अगर हमने एफर्ट नहीं किया तो हम उसको बर्बाद कर सकते हैं और तकलीफों में भी जा सकते हैं। इसी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी तकलीफों को झेलते हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और वहीं पे कुछ लोग रहते हैं जो हर तरीके से स्वस्थ रहते हैं और इस दुनिया में यश प्राप्त करते हैं, पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें बिना मेहनत के नहीं आती हैं। जैसे कि हर व्यक्ति चाहेगा कि वो एयर कंडीशन से जाए, लेकिन उसके लिए उसको पैसा कमाना पड़ता है, क्योंकि जो एयर कंडीशन क्लास का जो किराया है वो 5-6 गुना ज़्यादा होता है जनरल क्लास के किराए से। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुखमय हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, और अपना जो काम है उसको बखूबी निभाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस दुनिया को कुछ देंगे तभी आपको इस दुनिया से कुछ मिलेगा, और जब आप इस दुनिया से कुछ पाएंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी को
बेहतर बना पाए। तो इसलिए दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जीवन एक मिथ्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक दिन अंत होना है, बल्कि हमको ऐसा देखना चाहिए कि ये जो जीवन है वो सिर्फ एक बार हमको मिलता है, और हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि ये जो जीवन है हम जितना आनंदमयी बना सकें, जितना सुखमय बना सकें, उतना अच्छा है, और हमें इसके लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए और इस दुनिया को भी सुधारना चाहिए।